आज के इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी क्लास ट्वेल्व के दूसरा चैप्टर के बारे में जिसका नाम है उसने कहा था और इस पार्ट को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे उसने कहा था जो पाठ है इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आज हम लोग जानेंगे जैसे कि आपके पास अगर बुक होगा ये दिगंत भाग दो तो इसका दूसरा चैप्टर है उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है तो इसमें जो आपकी बुक में जो है ना प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों देखो हम क्या किए यहां पे आपका जो लिखा हुआ है ना ये बहुत छोटा छोटा

तो हम आपको अभी दे दे रहे हैं कि आप जब इस क्लास को देखोगे इस वीडियो को देखोगे तो आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई और बिल्कुल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ हर एक प्रश्न चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो सारे प्रश्न आप आराम से बना सकते हो अच्छे से बना सकते हो ये भी गारंटी है तो बस इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इस चैप्टर को खत्म कर लीजिए ऐसे ही लगातार हम इस चैनल पे वीडियोस लाते रहेंगे इससे पहले चैप्टर वन बातचीत पार्ट का संपूर्ण अर्थ पढ़ा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको पसंद आ रही है ये क्लास और आपको ये जरूरत थी तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए साथ ही साथ चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं तो चलते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसके बाद इसके पूरे कहानी को समझेंगे पहले लेखक के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके लेखक से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए आपको लेखक से संबंधित हर सारी चीज़ों को अच्छे से देखना होगा और हम तो पहले तो ये भी आपको कहेंगे कि आप अपने पास एक कॉपी निकालिए रखिए एक पेन लीजिए और यहाँ पे लेखक के बारे में जो भी डिटेल्स है उसको अपने कॉपी में नोट करिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं तो आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो अभी अभी आप इस वीडियो को रोकिए एक मिनट के लिए कॉपी और पेन लीजिए और प्रॉपर बैठिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और सारे डिटेल्स को नोट करते चलिए चलिए अब यहाँ पे लेखक के बारे में समझना शुरू करते हैं सबसे पहले आइए जानते हैं देखो हम लोग का आज क्या चीज देखना है हम लोग को आज देखना है हिंदी का चैप्टर नंबर टू जिसका नाम क्या है उसने कहा था चैप्टर का नाम क्या है उसने कहा था तो अब जो चैप्टर का नाम हम लोग समझ गए कि भाई उसने कहा था ये चैप्टर को हम लोग देखना है हम लोग को देखना है तो उसने कहा था ये है क्या तो ये है एक क्या है ये एक कहानी है क्या है एक कहानी है उसने कहा था एक कहानी है जो कि लिखे कौन है जो कि लिखे हैं अपने लेखक इसके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ठीक है इस कहानी के कहानीकार कौन है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्लियर और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यहाँ पे तस्वीर है यही है जिन्होंने उसने कहा था चैप्टर को लिखे हैं ठीक है थेके? इनका जन्म होता है सात जुलाई अठारह को और निधन होता है बारह सितंबर उन्नीस को तो ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अच्छा रहेगा साथ ही साथ आप जन्म स्थान याद रखिए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था तो जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान ठीक है लेकिन इनका मूल ये मूल निवासी कहाँ के थे जन्म तो इनका जयपुर राजस्थान में हुआ था लेकिन ये निवासी कहां के थे मूल निवासी तो ये गुलेर नामक ग्राम जो कि जिला कांगड़ा में आता है और कांगड़ा कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में है ठीक है तो ये लेखक से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि निश्चित रूप से आपको याद होने चाहिए ठीक है उसके बाद चलो इनके पिताजी का नाम जो कि बहुत जरूरी है इनके पिताजी का नाम क्या है तो इनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम क्या नाम है पंडित शिवराम ओके पंडित शिवराम इनके पिताजी का नाम है ये लाइन अभी आप हटा लो चूंकि ये पिछले चैप्टर का लाइन है ठीक है ये मिस्टेक्स यहाँ पे आया हुआ है ठीक है इस लाइन को हटा देते हैं ये नहीं नोट करना है यहां से स्टार्ट करो ठीक है शिक्षा से शिक्षा से स्टार्ट करते हैं कि इनका शिक्षा कहां से इनको मिली तो देखो शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया बचपन में सबसे पहले ये संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक इन्होंने किया ठीक है 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक के इन्होंने परीक्षा दी और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए ठीक है 1899 में ये क्या किए मैट्रिक परीक्षा दिए उसके बाद 1901 में क्या किए कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए उसके बाद 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए याद रहेगा नहीं याद रहेगा देखो आई नो कि थोड़ा सा ज्यादा है ये सब चीज याद करना पड़ रहा है लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे तो आपको याद रखना होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कब किए थे ये अगर पूछता है तो उन्नीस में किए थे तो ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनती है इसलिए आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इनके बारे में वृत्ति जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में तो देखो सबसे पहले 1903 में ये क्या किए थे बीए कर लिए थे कौन सा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ठीक है 1903 में एक साल बाद जस्ट एक साल बाद 1904 में ये क्या करते हैं जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नवाली नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए ठीक है जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक फिर बने उसके बाद 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने ठीक है 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने कौन चंद्रधर सनवागु ले लीजिए इनके बारे में और जानते हैं देखो अंतिम के दिनों में ठीक है ये अपने अंतिम के दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्रचार तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर इन्होंने ये बने ठीक है चंद्रमा जी तो ये सब बात अपने कॉपी में नोट करके आराम से से इसको समय समय पे अच्छे रिवीजन करते चलिए देखिए इन्होंने संपादन क्या क्या चीज का किया मतलब संपादन एक तरीके से लिखा कौन कौन सा पत्रिका जो कि पब्लिश होता था मैगजीन टाइप का जो रहता था जो कि स्टॉल वगैरह पे दुकान वगैरह पे बिकता है ना मैगजीन टाइप का इन्होंने कौन कौन सा पत्रिका का संपादन किया था तो वो देखो समालोचक का इन्होंने संपादन किया था काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था तो ये आप याद रखेंगे ठीक है इनकी अब रचनाओं के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी है और ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है रचनाएं इनकी कौन कौन सी है और क्या इनकी कहानी है क्या इनका निबंध है ये सब ध्यान में रखना होगा तो देखो कहानियों में अगर बात करें तो देखो सुखमय जीवन जो इन्होंने लिखा बुद्ध का कांटा इन्होंने लिखा उसने कहा था इन्होंने लिखा उसने कहा था जो है 1915 में ये ये कहानी को लिखे थे मित्रों सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा 1911 में लिखे थे ठीक है सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा 1911 में उसने कहा था 15 में अब देखो इनका निबंध ठीक है प्राच्य विद्या इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन इन्होंने किया इन सब विषयों पर इन्होंने निबंध लिखा जिसमें से कछुआ धर्म मारेसी मोही कोठाम पुरानी हिंदी भारतवर्ष डिंगल संस्कृत आ, संस्कृत की टिप करी देवना प्रिय आदि जो है प्रमुख निबंध इनकी है ठीक है इसमें से कछुआ धर्म आपको याद रखना है ठीक है कछुआ धर्म पुरानी हिंदी भारतवर्ष डिंगल ये सब चंद्रध गुलेरी जी के कुछ प्रमुख निबंध है इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ खोज की खाज कार भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियों पर भी प्रकाशित ये किए हैं अंग्रेजी में भी कुछ कुछ इन्होंने निबंध लिखा है उसके बारे में भी जानते हैं ठीक है अंग्रेजी में इन्होंने कुछ निबंध लिखा है ए ठीक है बॉस एक एक कमेंट्री ऑन वात् वात्सल्यांश कामसूत्र द लिटरेरी क्रिश्चनिज्म आदि निबंध इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में ए पोयम बाय बॉस और ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र दी लिटरेरी क्रिश्चनिज्म आदि निबंध इन्होंने लिखा है देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी है देश प्रेम को लेकर इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी है ठीक है अब देखो दो बातें हैं इनके बारे में दो फैक्टर है जो कि आपको जाना जरूरी है कि पहला क्या यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है ठीक है यहाँ प्रस्तुत जो कहानी है उसने कहा था ये उनकी अमर रचना है बहुत ही प्रमुख ऐसा रचना है जो कि हर हमेशा के लिए अमर है हम आज अगर हम लोग आज इस कहानी को पढ़ेंगे ना तो ये हर हमेशा के लिए हमें याद रह जाएगी ठीक है यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर आ, मानी जाती है मील का पत्थर समझ रहे हो इसका मतलब आ, ये जो उसने कहा था ऐसा प्रमुख आ, कहानी है जो कि हिंदी कहानी के ठीक है हिंदी कहानी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ ऐसा मानो कि ये हिंदी हिंदी कहानी को बहुत आगे तक ले गया इसके बाद मतलब ये जो उसने कहा था जो चैप्टर था ना उसने कहा था जो कहानी आया कहानी जो, आ, ये लिखे उसके बाद क्या हुआ कि हिंदी कहानी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया लोग हिंदी कहानी पढ़ने लगे है ना तो ये हिंदी कहानी क, आ, के विकास में ये मील का पत्थर ये साबित हुआ उसने कहा था दूसरा फैक्ट देखो प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर यानी उसने कहा था जो कहानी है उस पर फिल्म भी बनाई और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं बहुत नाटक टाइप का तो रूपांतरण बहुत सारे हो चुके हैं और साथ ही साथ बिमल राय जो थे बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मकार थे उन्होंने इस पर एक फिल्म भी बनाई है उसने कहा था कि नाम से ठीक है तो ये लेखक के बारे में हुआ तो कुल मिला के लेखक परिचय में आपको ये सब जानना जरूरी है कि लेखक जो है आ, मतलब इनका जन्म कहाँ पे होता है इनका निधन कहाँ पे होता है ये सब चीज जो कि हम आपको अभी बहुत अच्छे से बताए हैं लेखक आ, जो है उसने कहा था चैप्टर के लेखक चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी उनका जन्म कब होता है निधन कब होता है जन्म स्थान कहाँ पे है उसके बाद वो मूल निवासी कहाँ के थे उनके पिताजी का क्या नाम है शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया उनकी वृत्ति क्या क्या रही उसके बाद आपको ध्यान में रखना है संपादन क्या क्या चीज का किए थे समालोचक का काशी नगरी प्रचारनी पत्रिका का उनके बाद इनकी कहानियां कौन कौन सी है सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा और उसने कहा था ठीक है उसके बाद इनका निबंध कौन कौन सा है ये चीज आप लोग को बताया ठीक है कछुआ धर्म इसमें से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है उसके बाद बताए थे उसने कहा था मील का पत्थर साबित हुआ और देन आपको बताए थे विमल राय ने इस पर फिल्म भी बनाई थी ठीक है तो ये कुल मिला के लेखक परिचय हुआ अब हम आइए जानते हैं इस पूरे चैप्टर के कहानी पूरे अच्छे से समझते हैं हिंदी अर्थ आपकी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के आपको बताते हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे और यकीनन आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगी चलिए इसको शुरू करते हैं तो यहां से अपना पूरा उसने कहा था पाठ शुरू होता है और आइए पहला लाइन से हम शुरुआत करते हैं इसका सबसे फर्स्ट लाइन में यहां पर ऐसे बात किया गया है ऐसे स्टार्ट किया गया है देखो बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे बहुत बड़े बड़े शहर में जो बंबू काट वाले हैं बहुत सारे गाड़ी वाले हैं घोड़े गाड़ी वाले हैं बहुत सारे शहरों में बड़े बड़े शहरों में होते हैं जो कि बहुत अजीब तरीके से बातें करते हैं बहुत गुस्से में बातें करते हैं हर हमेशा कोई सामने आ गया तो उसको दवार दिए कोई सामने आ गया तो उसको बिगड़ लिए है ना तो ये चलते रहता है अगर इससे शहर के लोग परेशान हो गए हैं थक चुके हैं कान पक गए हैं तो अमृतसर के जो बंबू काट वाले हैं अमृतसर के जो घोड़े गाड़ी वाले व्यक्ति हैं उनके तरह मलहम लगावे उनकी जुबान की तरह मलहम लगावे उनकी बोली का मलहम लगावे जिस तरीके से अमृतसर के जो बंबू कार्ड वाले हैं इतने प्यार से लोगों से बातचीत करते हैं लोगों को साइड हटाते हैं इसके लिए विनम्रता से वो बातें करते हैं जबकि अदर शहर में अलग शहर में बहुत ही अजीब तरीके से बातें किया जाता है तो ये पहला लाइन में यहाँ पे बात किया गया है उसके बाद देखो क्या बात किया गया है जब बड़े बड़े शहरों की अः चौरी सड़कों पर घोरे की पीठ का जो है पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं कभी राह चलते पैदलों की आँख के ना होने पर तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की उंगलियों को जो है पोरों को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी निराशा और छोब का अवतार बने नाक के सीधा चले जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे बताया जाता है कि कभी कभी क्या होता है ना बड़े बड़े शहरों में जो घोड़े गारे वाले लोग होते हैं जो टाइगे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक तरीके से बहुत ही अजीब तरीके से बातें करते हैं राह में जो लोग चलते हैं तो उनको हटाने के लिए और कभी कभी घोरों को क्या करते हैं पीठ पर चाबुक से मारते हैं और घोरों का संबंध अपना नानी से संबंध निकटता से स्थापित करते हैं कि आ, ऐसे गाली टाइप का शब्द यूज करते हैं है ना कभी कभी घोड़े को दवारते हैं गाली देते हैं तो ये बताया जाता है यहाँ पे और कभी कभी राह में चलते लोग जो होते हैं उन उनपे कभी कभी क्या होता है आंख दिखाते हैं और कभी वही दिखते नहीं है तो आंखें उनको देख वो पैदल नहीं चलते हैं तो कभी आंखें तरस जाती है कि कभी राहगीर नहीं मिले तो वो फिर टांगे चलाएंगे किसके लिए है ना तो इसके लिए वे तरस जाते हैं और कभी कभी चलते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं तो पैदल चलने वाले लोगों के उंगलियों पर चढ़ाते हुए सीधा निकल जाते हैं और खुद को ही सताया हुआ मानते हैं कि वही दिन ही है वही सब कुछ है उन्हीं को गलानी खुद को ही, ही होता है है ना तो यहाँ पे तब क्या होता है यहाँ पे वही बताते हैं और सीधा चले जाते हैं किसी के पैरों पर चलाते हुए और तब यहाँ पे बताया जाता है तब अमृतसर में उनकी ठीक है अमृतसर में उनकी बिरादरी वालों तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा उम, कर ठीक है देखो तब उस उसमें क्या होता है उनके बिरादरी वाले जो कि अमृतसर शहर में रहते हैं अदर शहर में ऐसा होता है कि टांगो के जो है ना चक्के जो होते हैं टांग घोड़ा गाड़ी टांगे जो रहते हैं उसके चक्के जो रहते हैं लोगों के पैरों पर चलाते हुए घोरा घोड़े के नानी के साथ निकटता संबंध स्थापित करते हुए वो लोग रहते हैं लेकिन वहीं पे उनके बिरादरी वाले जो कि अमृतसर शहर में रहते हैं और वो टांगे चलाते हैं वो क्या करते हैं से, सब्र से ऐसा सब, मतलब सब्र का समुद्र उमरा हुआ चला आता है और तब ऐसे विनम्रता से बात करते हैं कैसे देखो बचो खालसा जी हटो भाई जी ठहरना भाई आने दो लाला जी हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो कर, करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और गन्ने और और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं ठीक है की ओर निकलते हैं तो यहाँ पे ये सब चीज बताया गया और साथ ही साथ कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग भी आपके बुक में दिया गया है जो कि कुछ कुछ कठिन शब्द जो होता है उसका मतलब क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे पूरे अच्छे से बताया गया है।, है ना पूरे अच्छे से वो भी बताया गया है चलो तो अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे आ, क्या होता है अमृतसर के जो भी टांगे वाले रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो करते हैं कि सबको बहुत प्रेम से हटाते हुए चलते हैं जैसे बोलते हैं बचो खालसा जी हटो भाई जी ठहरना भाई आने दो लाला जी हटो हटो बाछा ये करते हुए वो जो है खच्चरों बत्तखो गन्ने खोमे भारे वालों इन सबके राह से गुजरते हैं ठीक है Uh, क्या, मजाल uh, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने ठीक है क्या मजाल है कि जी और साहब क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े है ना किसी को गाली देके किसी को दबार के नहीं भगाते हैं बल्कि जी और साहब बोल के ही हटाते हैं तो क्या मजाल जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े uh, यह बात नहीं कि उनकी जीव चलती नहीं यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है चलती तो है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है और जब और यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर लीक से नहीं हटती ठीक है अगर कोई बूढ़ी औरत है या फिर कोई है जो जो कि बार बार उसको बताने पर उसको चेतावनी देने पर यानी चेतावनी देने पर भी वो लीक से यानी रास्ते से नहीं हटती तो तो क्या करते हैं देखो तो उनकी तो उनकी जो है बचन वाली के ये नमूने होते हैं तब उस समय वो इस तरीके से बोलते हैं टांगे वाले देखो कैसे बोलते हैं हट जा जीने जोगिए हट जा कर्मा वालिये हट जा पुता प्यारिये बच जा लंबी वालिए अः में इसका अर्थ होता है देखो ये यह यहाँ पे ये लोग बोलते हैं हट जा जीने जोगिए हट जा कर्म वालिए हट जा पुत प्यारिये बच जा लंबी वाली है, है, है।, है ना तो इसका मतलब क्या होता है इसका अर्थ होता है कि तू जीने योग्य है तो भाग्यों वाली है पुत्रों की प्यारी है लंबी उम्र तेरे सामने है तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है बच जा है ना तो इतना प्यार से ये लोग बोलते हैं और जब कभी नहीं हटती है तब जाके ये शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी देखो कितना मिठास है मीठी छुरी की तरह वार करते हैं इसका इनक, इनका वाणी जो होता है ठीक है तो ये यहां पे बताया गया है कि ये पूरे अच्छे से चर्चा किया गया ऐसे बंबू काट वालों के बीच से होकर यहां तक तो आप आपको मात्र यहाँ पे पूरी कहानी में यही बताया गया है कि बंबू काट वाले कैसे थे और बंबू काट वाले किस तरीके से आ, होते हैं अमृतसर के शहर में और अलग शहर में कैसे होते हैं बस ये बात किया गया कहानी तो अब शुरू होती है और अब यहाँ पे कहानी के पात्र वगैरह से आपको मिलाया जाता है तो चलो अब आगे देखते हैं ऐसे बंबू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की एक लड़का और एक लड़की चौक से एक दुकान पर आ मिले ठीक है ऐसे बंबू काट वालों के बीच से एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर आ मिले थे एक लड़का थी और एक लड़का था और एक लड़की थी दोनों एक दुकान पर आ मिले थे उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं वो उसका जो बाल था लंबा लंबा बाल और उसके ढीले सुथने यानी सुथना का मतलब होता है कपड़ा ठीक है उसका जो ढीला कपड़ा जो था इससे यह जान पड़ता था कि वो दोनों सिख हैं ठीक है कि वो दोनों सिख हैं वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था ठीक है अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था दुकान पर और यह रसोई के लिए बरिया लेने आई थी ठीक है दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था मतलब एक दुकानदार जो जिस दुकान पे ये लड़का और एक लड़की आई थी उस दुकान पे वो दुकानदार जो था एक परदेशी से गुथ रहा था यानी उसका बतकही हो रहा था बात बातचीत कर रहा था दोनों एक दूसरे से मतलब एक तरीके से बोला बोली होल रहा था दोनों में है ना तो यही गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापरों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था जो कि वो परदेशी जो था ना वो शेर भर पाप पापरी जो था गीले पापरी उसको एक एक करके हटा हटा के गिन रहा था वो हट ही नहीं रहा था दुकान के सामने से तभी तो दूसरा ग्राहक आए है इसलिए परदेशी से वो दुकानदार गुथ रहा था है ना बोला बोली कर रहा था तो तब तक ये लोग बातचीत करते हैं जब तक मैं वो दुकानदार जो था उससे गुस रहा था परदेसी से तब तक ये लड़का और ये लड़की देखो बातचीत करता है क्या बात करता है देखो लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है लड़की बोलती है म, आ, मगरे में और तेरे तो लड़का बोलता है मांझे में यहां कहाँ रहती है फिर लड़की बोलती है अतर सिंह के बैठक में वे मेरे मामा होते हैं ठीक है फिर लड़का क्या बोलता है देखो मैं भी मामा के यहां हूँ उसका उनका घर गुरु बाजार में है ठीक है इतने में दुकानदार निपटा और इन, इनका सौदा देने लगा यह सब तो बातचीत हुआ लड़का बोलता है तेरे तेरे घर है 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 लड़की लड़की बोलती बोलती में में और तेरे, तो में और तो तो लड़का बोलता कि रहती अतर सिंह के बैठक में वो मेरे मामा होते हैं ठीक है थीके? फिर लड़का लर, बोलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ उनका घर गुरु बाजार में है ठीक है इतने में दुकानदार वो सब निपटा लेता है और इनका सौदा देने लगता है सौदा लेकर दोनों शासक चले कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा पूछा कुछ दूर गया साथ में वो लड़का और लड़की साथ में गया और मुस्कुरा लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई ठीक है क्या तेरी कुरमाई हो गई और देखो कुरमाई का मतलब क्या होता है कुरमाई का मतलब होता है क्या चीज कुरमाई का मतलब होता है सगाई क्या तेरी कुरमाई हो गई ठीक है लड़का कुछ दूर जाके उस लड़की से पूछता है क्या पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई इस पर लड़की यानी क्या तेरी सगाई हो गई तेरी मंगनी हो गई इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर मतलब किसी लड़की से पहला, पहला पहला बार पूछो कि क्या तेरी कुर्माई हो गई या तेरी मंगनी तेरी सगाई हो गई तो वो लड़की आंखें चढ़ा के बराबर आंखें करके हम्म धत कहकर दौड़ गई लड़का मुंह देखता रह गया वो लड़की ऐसे पहले तो एकदम अजीब तरीके से देखी उसके बाद कह के चली गई ठीक है लड़का मुंह देखता रह गया दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहां दूध वाले के यहाँ अकास्मक दोनों मिल जाते थे मतलब कभी कभी क्या होता था सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ वो लोग अचानक अकास्मक यानी अचानक मिल जाते थे महीना भर यही हाल रहा दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई यानी तेरी मंगनी हो गई और उत्तर में वही धत मिला हर बार लड़की धत धत् के शर्मा के, के चली जाती थी एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तब लड़की जो है लड़के से संभावना के विरुद्ध बोली जो लड़का एक्सपेक्ट नहीं किया था वो बात लड़की ने बोल दी कि हाँ हो गई तो लड़का पूछता है कब आश्चर्य से ये पूछता है कि कब वो जो लड़का है वो पूछता है कब तो लड़की बोलती है कल देखते नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ सालू देखते ही नहीं रेशम का, का कड़ा हुआ सालू यानी सालू का मतलब होता है क्या चीज दुपट्टा देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू यानी ये दुपट्टा लड़की लड़की भाग गई ये बोल के लड़की भाग गई ठीक है लड़के ने घर की रा ली लड़का एक तरीके से थोड़ा गुस्सा हो गया था थोड़ा नाराज हो गया था और लड़का भी घर की तरफ निकला रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया ठीक है एक लड़के को क्या किया ये तो गुस्सा में था नाराज था ये लड़का गुस्से में क्या करता है एक रास्ते में जब घर की तरफ निकल रहा था तो एक लड़के को क्या करता है मोरी में धकेल देता है एक छावरी वाले का दिन भर की कमाई खोई कर देता है एक कुत्ते को पत्थर मार देता है छावरी वाले ठीक है यहाँ पे अगर बात करोगे छावरी वाले का मतलब क्या होता है देखो छावरी वाले का मतलब होता है खोमचे वाले ये इसमें क्या होता है ये डमरू का आकार का है ना डमरू का आकार का देखो इसका क्या है यहाँ पे बना हुआ है जिसपे सामान रखा हुआ है और कुछ कुछ बेच रहा है तो इसको कहते हैं छावरी वाले खोमचे वाले ठीक है खोमचे वाले तो ये जो ये जो था ये दिन भर का जो कमाई था उसको ये बर्बाद कर देता है ठीक है एक कुत्ते को पत्थर मार देता है और गोभी वाले के ठेले में दूध उरेल देता उरेल दिया है ना तो देखो ये लड़के गुस्से में था नाराज था और इसमें गुस्से में ये जो भी रास्ता में मिला उसको मोरी में धकेल दिया कुत्ते को पत्थर मार दिया खोमचे वाले का पूरे कमाई जो है खोई कर दिया उसके बाद एक गोभी वाले के ठेले में दूध उ रेल दिया सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई ठीक है सामने से एक वैष्णवी नहाकर आ रही थी उससे भी टकरा गया तो वो इसको अंधा बोल ली ठीक है तो इसने इसको अंधा का उपाधि भी इसको मिल गया ठीक है तब कहीं ये घर पहुंचा था? इतना इसको घर पहुंचने का ये दृश्य समझ सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीत रहा था किस हालात में वो घर पहुंचा था कितने गुस्से में था कितने नाराजगी था उस लड़की से कि वो लड़की बोल देती है कि हाँ कुरमाई हो गई देखते नहीं ये मेरा रेशम सा कढ़ा हुआ सालू दुपट्टा देखते नहीं है तो उसी नाराजगी में ये रास्ते में आते आते इतना सारा कांड करके आया है ना तो दृश्य एक खत्म होता है कुल मिला ये पूरी कहानी जो है उसने कहा था ये पांच दृश्य में बांटा गया है पांच जो है भागों में बांटा गया है जिसका भाग एक आप लोग यहां तक खत्म कर चुके ठीक है भाग एक आप लोग यहां तक देख चुके अब यहां पे भाग दो यानी दृश्य दो स्टार्ट होता है और अब हम लोग दृश्य दो को काफी अच्छे से जानना शुरू करते हैं तो अब देखिए यहां पे क्या चीज से स्टार्ट होता है ऐसे स्टार्ट होता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां कर गई ठीक है यहां पे बोला जाता है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है दिन रात खंदकों में यानी खंदक होता है एक सेना का बैठने का जो जगह होता है छिप के बैठने का जो जगह होता है उसमें उसको खंदक कहते हैं तो इसमें बैठे बैठे हड्डियां आकर गई है हड्डियां एक तरीके से अकर गई है पूरे एक तरीके से जम गई है है ना तो ये यहाँ पे बताया जाता है यानी दृश्य दो जो स्टार्ट होता है पहला दृश्य में तो आप देखे कि वो जो है लड़का और लड़की दुकान पे मिलते हैं और एक दूसरे में एक तरीके से बोलो तो थोड़ा सा प्यार का एहसास होता है लड़का बार बार पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई लड़की कह के, के चली जाती थी है ना और जब लड़की बोल देती है कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई और वो लड़का गुस्से में आग बबूला होकर या बोलो नाराजगी में वो घर जाता है बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए और तब वो घर पहुंचता है दूसरा दृश्य जो शुरू होता है तब लड़का जो है वो तब यहाँ पे ये जो है सेना में भर्ती है और अब यहाँ पे सेना में जो भर्ती है तो सेना में युद्ध जो चल रहा था युद्ध चल रहा था जर्मनी से ठीक है जर्मनी देश से युद्ध चल रहा था तो ये लोग लड़ने गया था ठीक है ये लोग लड़ने अंग्रेजों की तरफ से भारत उस समय जो है गुलाम था तो गुलामी में

जो बारिश का बूंद होता है ना वो बरस रहा है ऊपर से बर्फ भी बन गया है है ना तो ये ये बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है ठीक है पिंडलियों तक कीचड़ में फंसे हुए हैं यानी पिंडली क्या होता है पिंडलियों क्या होता है ये होता है एरी जो होता है और घुटना जो होता है उसके बीच का भाग जो होता है मांस वाला भाग जो होता है उसको बोला जाता है पिंडलियों तो उतना पैर जो है कीचर में फंसा हुआ है चूंकि ये बारिश होता है मेह होता है बारिश होता है टिप टिप बारिश हो रहा है तो उसके कारण कीचर फंस गया है और गनीम कहीं दिखता ही नहीं यानी गनीम का मतलब होता है दुश्मन दुश्मन जो है कहीं पर दिखता ही नहीं घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और सौ सौ गज धरती उछल पड़ती है गनीम कहीं दिखता नहीं है गनीम का मतलब होता है दुश्मन दुश्मन कहीं पे दिखता नहीं है और दो दो घंटे में क्या होता है कि एक आ, जो है ना बहुत आवाज आती है बहुत धमाके के साथ आवाज आती है कान का मानो पर्दा फाड़ दे इतना आवाज आती है और इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े ये जो आसमानी गोले हैं गैबी का मतलब होता है आसमानी या दैबी या आसमानी गोले जो होते हैं बम जो होता है वो गिराया जाता है ठीक है दुश्मन देश जर्मनी के जो लोग हैं वो लोग बम फेंकते हैं दो दो घंटे पे ऑलमोस्ट है ना और उससे लगता है कि

जो कहीं खंडक से बाहर आ, साफा या आ, कुहनी निकल गई तो जो कहीं खंदक से साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती थी आ, तो यहाँ पे देखो खंडक क्या होता है जो सिपाही जिसमें छिपता है तो जो कोई खंदक से अगर थोड़ा सा बाहर साफा साफा का मतलब होता है मुरट्ठा एक तरीके से पगड़ी सिख लोग लड़ाई करने जा रहे हैं ठीक है थीके? सिख लड़ाई करने जा रहे हैं तो सिख साफा साफा उसको कहते हैं जो वो लोग पगड़ी पहनते हैं उसको ठीक है तो साफा जो कोई अगर साफा या कुहनी हाथ का कोहनी अगर निकल गई तो चटाक से गोली लगती थी ना मालूम ये बेमान मिट्टी के में लेटे हुए हैं या घास के पत्तियों में छिपे रहते हैं ठीक है पता नहीं चलता है कि जो जर्मनी के जो सिपाही हैं ये लोग कहां पे छिपे हुए रहते हैं मतलब मिट्टी में लेटे हुए रहते हैं या पत्तियों में छिपे रहते हैं पता ही नहीं चलता है अगर खंदक से थोड़ा भी आ, साफा जो होता है पगड़ी या क्यों नहीं अगर बाहर निकला चटाक से गोली मार देते हैं है ना लहना सिंह और, और लहना सिंह बोलता है यहाँ पे ठीक है लाना सिंह एक है ठीक है ट्विस्ट है इस कहानी में बहुत ट्विस्ट है जितना आगे आप जाते चलोगे अभी आपको बोर लग रहा होगा अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन हम यकीनन आपको बता देते हैं अगर आप इस कहानी को अच्छे से प्रेम से बैठ के देखोगे ना लास्ट लास्ट तक जाते जाते आप रो दोगे इतना ये इंटरेस्टिंग कहानी है इतना ये स्वीट सा कहानी है लव स्टोरी वॉर का हर चीज इस पूरे कहानी में दिया गया है है ना तो चलो इसको देखते हैं लहना सिंह यहाँ पे बोलता है और तीन दिन चार तो खंदक में बीत गए और परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर सात दिन की छुट्टी लहना सिंह बोलता है कि तीन दिन हो गए हैं ठीक है और और तीन दिन है चार तो खंडक में बिता दिए हैं ठीक है मतलब तीन दिन और बाकी है हम लोग को तीन दिन और ड्यूटी करना है ऐसे ही चार दिन तो हम लोग ये खंडक में छुप छुप के जहां पे सिपाही के छुपने का जगह होता है उस खंडक में हम लोग चार दिन बिता दिए हैं फिर जो है परसों रिलीफ आ जाएगी मतलब और सारे सेना आ जाएंगे और हम लोग को यहाँ पे सात दिन की छुट्टी मिल जाएगी अपने हाथों हा, अपने हाथों चटका करेंगे और पेट भर खाकर सो जाएंगे अपने हाथों से खाना बनाएंगे हाथ इधर उधर फैला के मस्त आराम से खाना पीना खाएंगे और आराम से सो जाया करेंगे ठीक है उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल किसी हरी घास है ठीक है एक फिरंगी मैम है जहां पे ये लोग लड़ने का है ना दूसरे देश फ्रांस में गए लड़ने के लिए जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए गए हैं तो वहां पे एक फिरंगी मैम है जिनका जिनका बाग है ना उसमें बहुत हरे हरे घास हैं और उसी घास में लेट जाएंगे फल और दूध की वर्षा कर देती है लाख लाख कहते हैं दाम नहीं लेती ठीक है मतलब वो जो है ना फिरंगी मैम मतलब फल और दूध इतना ज्यादा दे देती है जितना खाना खा है खाओ आजादी है एकदम पूरा आजादी दे देती है और कितना भी हम लोग बोलते हैं ना फिर भी वो फिरंगी मैम हम लोग से पैसा नहीं लेती है ना ये लाना सिंह एक तरीके से बोलते हैं कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो वो फिरंगी मैम कहती है कि तुम लोग राजा हो मेरे मुल्क को मेरे मे, मेरे मुल्लक यानी मेरे देश को बचाने आए हो चार दिन तक पलक नहीं झापी यहाँ पे बोलते हैं कि चार दिन तक ये पलक नहीं झापे हैं चार दिन जो खंडक में बैठे रहे ना छुप छुप के देखते रहे सभी सेना को कोई आ तो नहीं रहा दुश्मन को देखते रहे ठीक है तो चार दिन तक पलक नहीं झाँपी बिना फेरे घोरा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च के हुक्म मिल जाए फिर सात जर्मनी को अकेला मार कर ना लौटू तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो यहाँ पे ये बोलते हैं कि चार दिन तक पलक नहीं झपकी है बिना फेरे जैसे घोड़ा बिगड़ता है बिना रस्सी लगाए हुए घोरा बिगड़ता है वैसे ही बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है ठीक है सिपाही कमजोर हो जाता है जब तक सिपाही लड़ेगा नहीं उसके अंदर जुनून जज्बा नहीं रहता है तो यहाँ पे ये बोलता है लाना सिंह बोलता है कि मुझे आ, मुझे जो है संगीन चढ़ा गया मुझे अगर औरत मुझे जो अगर औरत ऑर्डर और मिल जाए और आ, हमें भेज दिया जाए हुक्म मिल जाए तो हम सात जर्मन को अकेला ना मार के आ जाए लौटू तो मुझे दरबार साहब की मत्ता टेकना नसीब ना हो उनके दरबार में हमें मत्था टेकना तक नसीब ना हो ठीक है पाजी कहीं के कलों के आ, आ, कले कलों के घोरे संगीन देखते हैं मुंह फाड़ देते हैं और आ, पैर पकड़ने लगते हैं और आ, अंधेरे में तीन तीन आ, तीन आ, तीस तीस मन के गोले फेंकते हैं पहले तो हम लोग का यहाँ पे साहस देखते हैं जज्बा देखते हैं घोरे देखते हैं इससे वो लोग मुंह फाड़ देते हैं और उसके बाद मतलब एकदम बोलते हैं कि मुंह फाड़ देते हैं और पैर पे, पैर पकड़ने लगते हैं भागने लगते हैं और अंधेरे में गोले फेंकते हैं बहुत ही ये लोग आए है ना लहना सिंह एकदम गुस्से में बोलते हैं ठीक है और उस दिन धावा किया तो चार मील तक जर्मनी जर्मन नहीं छोड़ा था ठीक है उस दिन हमला कर दिए थे तो चार मील तक ये लोग भागते रहे थे और पीछे जनरल ने हट जाने को कहा था नहीं तो मतलब पीछे जनरल का ऑर्डर आ गया तो नहीं तो इसको तो बता ही देते ये बोलते हैं नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते क्यों सुबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा लड़ाई के मामले आ, जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं बड़े अफसर के सोच बड़े बड़े दूर बड़े अफसर जो है दूर की सोचते हैं तीन सौ मील का सामना है एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा है ना सुबेदार जी सच है लहना बोला सुबेदार जी सच है लहना बोला पर करे क्या हड्डियां में तो जारा धस गई है बैठे-बैठे इस खंदक में बर्फ ये मेह, ये बारिश, इसमें हड्डियाँ में ठंडक घुस गई है जारा धंस गई है सूर्य निकलता नहीं खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जर गए हैं मतलब तरफ से चंबे की बावलियों में यानी गड्ढे में पानी भर गए हैं इसका मतलब होता है गड्ढे में पानी भर गए हैं हैं उसमें 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 सोते जर रहे ठीक मतलब है है मतलब बहुत ठंडा लगता और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए एक, एक बार लड़ाई हो जाए एक बार धावा बोल देना उस पर तो कहीं गर्मी आ जाए ये असली सिपाही का जज्बा होता है उदमी उठ सिगरी में कोले डाल वजीरा तुम चार जन बाल्टी लेकर खाई से पानी बाहर निकाल बाहर फेंको महासिंह शाम हो गई फेको के दरवाजे पर पहरा दे और यह कहते हुए सुबेदार सुबेदार सारा आ, जो सारी खंदक में आ, चक्कर लगाने लगे वहां के मेन होते हैं सुबेदार जो है सुबेदार हजारा सिंह मेन होते हैं ठीक है और ये सुबेदार हजारा सिंह जो है मेन थे वहां के लीडर थे और वो ऑर्डर देते हैं कि उदमी उठ सिगरी में कोले डाल यानी सिगरी यानी जो आग जलाने वाला जो मसाल होता है उसमें कोले डाल और वजीरा तुम चार जन बाल्टी लेकर खाई के पानी फेंको खंडक में जो खाई है वहां जो खाई है उस खाई में से पानी सब चार जन जाओ और जल्दी से निकाल के फेंको ठीक है महासिंह शाम हो गई है खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे दूसरे लोग जाओ और यह कहते हुए सुबेदार सारी खंडक सारी गड्ढों में खंडक में छुपने का जगह में चक्कर लगाने लगे वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह जो था पलटन का मजाकिया था विदूषक का मतलब होता है मजाकिया ठीक है वजीरा सिंह जो था वो पलटन का मतलब पलटन होता है सेना की जो टोली होती है ना उसका वो विदूषक था मजाकिया था वो बहुत मजाक वजाक करते रहता था हंसी मजाक की बातें करता था बाल्टी से ये क्या करता है देखो बाल्टी में गेंदला पानी लेकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला ठीक है मैं पाधा बन गया हूं करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण इस पर सब खिलखिला पर, खिलखिला परे और उदासी के बादल फट गए देखो ये जो था ना वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था ये सेना में की टोली का ये विदूषक था मजाकिया था बहुत मजाक मजाक करते रहता था हसमुख चेहरा था हसमुख हर हमेशा हसमुख बातें किया करता था ठीक है बाल्टी में गंदला पानी बाल्टी से वो गंदा पानी वो निकाल रहा था खाई से और फेंकते हुए बोलता है कि मैं पाधा बन गया हूं मैं एक तरीके से पुरोहित बन गया हूं मैं पंडित बन गया हूं मैं पढ़ाने वाला बन गया हूं मैं मतलब बूढ़ा हो गया हूं क्या भाई मतलब मैं सबको एक तरीके से सबको देख कर रहा हूँ ठीक है तुम करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण तुम लोग जर्मनी के बादशाह को एकदम खुश करो नहीं उस पर हमला करो है ना <laughs> इस पर सब खिलखिला परे और आ, उदासी का जो बादल है वो फट गया ठीक है उदाली उदासी का बादल जो सब लोग थके हुए थे उदास थे सब वो सब हट गया सब एकदम खिलखिला खिल के हंस पड़े ठीक है आगे देखो लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा लाना सिंह यहाँ पे दूसरी बाल्टी उसके हाथ में दिया लाना सिंह नीचे है उसके बाद उसके बाद ऊपर वजीरा सिंह है वजीरा सिंह पानी फेंकता है लाना सिंह निकाल के देता है वजीरा सिंह फेंकता है उसको ठीक है तो लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो ठीक है ऐसे खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा हाँ देश हाँ देश क्या है स्वर्ग है मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस गुमा जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा ठीक है वजीरा सिंह बोलता है तो यहां पे दस घुमा घुमा का मतलब होता है ये पंजाब में जमीन मापने का एक मेजरमेंट है जिसमें एक घुमा में एक घुमा में, में क्या होता है एक घुमा ठीक है बराबर आठ बीघा ठीक है आठ बीघा तो एक घुमा बराबर आठ बीघा तो यहाँ पे बोलता है कि मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से एक घुमा दस घुमा ठीक है दस घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा लारी होरों को भी यहाँ बुला लोगे <laughs> यहाँ पे मजाक करता है कि लारी होरे को भी यहाँ पे बुला लोगे <laughs> ठीक है ला, लारी होरों का मतलब होता है कि स्त्री को आदर सूचक शब्द होता है ठीक है और या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को <laughs> ठीक है <laughs> तो यहाँ पे मैम अरे चुप कर यहाँ यहाँ वालों को शर्म कहाँ है शर्म नहीं है आ, देश देश की चाल है आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते आ, वो सिगरेट देने में हट करती है होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझा समझती है राजा बुरा मान गया अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं अच्छा बोधा सिंह कैसा है ठीक है उस समय बोधा के बारे में लहना सिंह पूछता है नहीं ये वजीरा सिंह पूछता है अच्छा बोधा सिंह कैसा है तो लहना बोलता है अच्छा अच्छा है जैसा मैं जानता ही नहीं हूं ठीक है अच्छा है तो फिर वजीरा सिंह बोलता है जैसे मैं जानता ही नहीं हूं हूँ रात भर तुमने अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचर में परे रहते हो कहीं तुम ना मंदे पड़ जाना कहीं तुम तुम ना ठंड पड़ जाना तुम ना तुमको ना ठंड लग जाए जारा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते यानी तालाब के किनारे जमीन नहीं मिला करते हैं है ना तो यहाँ पे ये बोलता है अभी देखो एक तरीके से क्या है कि ये जो है लहना सिंह ये जो है बोधा सिंह को बहुत ज्यादा सेवा करता है अपना सारा चीज उसको दे देता है है ना अपना कंबल उसको उठा देता है और अपने खुद ये सिगरी उस मिसा मसाल के सहारे उस गर्मी के सहारे ये पूरे रात गुजार करता है पहरे पर पहरे पर खुद जाता है और उसके पहरे पर ये जाता है लहना सिंह जाता है और उसको सुला देता है बोधा सिंह को इसके पीछे क्या कहानी है क्या राज है ये आगे पार्ट फाइव में पता चलेगा अभी तो पार्ट टू में अभी हम लोग है ना पार्ट वन देख चुके हैं पार्ट टू में है पार्ट थर्ड अभी जस्ट देखेंगे है ना तो बहुत ट्विस्ट है इसमें बहुत ट्विस्ट है ये लहना सिंह बोधा सिंह का मदद कर क्यों रहा है ये भी जानने को मिलेगा है ना बहुत सारा ट्विस्ट है ये कहानी अभी इंटरेस्टिंग कहा अभी तो बस जान रहे हो बस किरदार को समझ रहे हो ये तो कहानी अब इंटरेस्टिंग बनेगी थोड़ा थोड़ा देखते तो थो अभी चलो देखो उसके बाद मेरा डर मेरा डर मत करो लहना सिंह बोलता है मेरा डर मत करो मैं तो आ, मैं तो बुलेल आ, के खड़ के आ, किनारे मरूंगा ठीक है भाई किरत सिंह के गोदी में, में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में 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 लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी बहुत बहुत बहुत, बहुत गहरा लाइन है ये में पता चलेगा इस लाइन के पीछे क्या वजह है लेकिन एक बार अच्छे से देख लो मेरा डर मत करो लहना सिंह बोलता है जब वो बजीरा सिंह बोलता है कि मर जाओगे ऐसे में ठंड निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते तो बजीरा सिंह यहाँ पे लहना सिंह बोलता है कि मेरा डर मत करो मैं तो बुलेल आ, के खड़ के किनारे मरूंगा भाई किरत सिर में 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 होगा मतलब मत करो मैं तो बुलेल के खड़ के किनारे मरूंगा ठीक है और भाई किरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम का पेड़ की छाया होगी वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा क्या मरने मरने की लगाई है मरे जर्मन के जर्मन और तुर्क ठीक है क्या मरने -मर... मरने के लगाए हुए मरे जर्मन के और तुर्क ठीक है जर्मनी के लोग जर्मनी और तुर्क मरे हाँ भाइयों कुछ गाओ हाँ कैसे गाओ ना ठीक है तो यहाँ पे सब मिलके कहते हैं हाँ भाइयों गाओ कुछ तो गाओ सब मिलके ठीक है तो देखो गाना यहाँ पे शुरू करते हैं और कुछ इस प्रकार से गाना है जो कि अच्छे से सुनो कुछ गाना अपने लोग के लैंग्वेज में नहीं है ठीक है लेकिन आ, पढ़ते हैं इसका अर्थ जान लेंगे ठीक है पढ़ते हैं इसमें कुछ कुछ हम भी मिस्टेक कर सकते हैं तो ये गाना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बस ऐसे पढ़ लो दिल्ली शहर ते पिसोर नु जान दिए कर लेना लौंगा दे व्यापार मांडिये कर लेना नारे दा सौदा आर्ये ओय लाना चटाका कदुए पु कद्दू बनाए बन्याये मजेदार चटाका हुए नु है ना इसका मतलब क्या हुआ ये गाना गाया ठीक है वो सब जो सेना की टोली था ना सिखों की टोली वो सब मिलकर अब इसका मतलब देखो ए दिल्ली शहर के पेशेवर को जाने वाली ए दिल्ली दिल्ली शहर के पेशेवर को जाने वाली ठीक है मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना अरे नारे भी सौदा भी कर लेना ठीक है ओए अब हमें कद्दू चखना है एक एक गोरे वर्ण वाले कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है अब हमें कद्दू चखना है है ना <laughs> कौन जानता था कि दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले घर सिख ऐसे लुच्चे गाने गाएंगे ठीक है गाना बहुत अजीब है और इसको लुच्चे गाने भी कहा गया है मतलब ये गाना अच्छा नहीं है ठीक है पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए मानो ऐसे ताजे हो गए जैसे चार दिन से सोते और मौज ही करते रहे हैं ठीक है ठेके? इतना ताजे हो गए तो ये अपना दृश्य दो था अब दृश्य तीन स्टार्ट होता है जैसे कि अभी यहां पे देखे द्रिस, पहला दृश्य जो था उसमें हम लोग क्या देखे पहला दृश्य में हम लोग देखे कि लड़का था ठीक है एक लड़की थी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत था ठीक है आ, उसके बाद कुर्माई का बात होता है और उसके बाद बेवफाई का बात होता है ठीक है <laughs> उसके बाद देखो दूसरा देश में क्या होता है दूसरा देश में क्या होता है लहना सिंह है मेन किरदार में लहना सिंह है मेन किरदार में एक सूबेदार है जो कि मेन आदमी है इस सब का हेड है सूबेदार उसके बाद वजीरा सिंह है, है जो कि मजाकिया है जो कि हर हमेशा मजाक की बातें क्या करता है ठीक है और साथ ही साथ यहाँ पे ये जानने को मिला कि लहना सिंह जो मेन किरदार में ये बोलता है कि ये मरेगा तो अपने भाई किरत सिंह के गोद में और इसके द्वारा आम का पेड़ जो लगाया गया उसका छाव भी होगा वहाँ पे है ना तो ये मेन पॉइंट था उसके बाद तीसरा यहाँ पे अब दृश्य शुरू होता है अब तीसरा दृश्य देखो तीसरा दृश्य में क्या होता है अब वहां यहां हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग अब बनते जाएगा जैसे जैसे दृश्य बढ़ रहा है ना ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग अब कहानी बनते जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग अब देखना लास्ट, लास्ट तक जाते जाते रो दोगे तुम लोग अगर सच्चे सच्चे दिल से अगर सच्चे तरीके से अगर अगर तरीके देख रहे हो ना तो सच में तुम लोग रो दोगे क्योंकि इतना इतना ये इतना ये मर्म को छूने वाली कहानी है ना देखते चलो बस दोपहर रात हो गई अंधेरा है सन्नाटा हुआ है बोधा सिंह थाली बिस्किटों के जो है ना खाली बेस कटो के तीन तीन तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर कर लहना सिंह के दो कंबल और एक वारणकोट ओढ़कर सो रहा है लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है एक आंख खाई में के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह कराहा है ना <kling> बोधा सिंह बीमार है और वो सो रहा था तीन कंबल दो कंबल बिछाए हुए था ठीक है दोनों कंबल बिछाकर कर सिंह के दो कंबल और एक वाराणकोट ओढ़कर सो रहा था लहना सिंह जो है एक सिंह एकदम पहरा दे रहा था बोधा सिंह सो रहा था वो बीमार था है ना और लहना बोधा सिंह का बहुत ख्याल रख रहा है लहना सिंह ये बात पे गौर करो क्यों कर रहा है इसके पीछे तो कुछ ना कुछ वजह होगी लहना सिंह एकदम एक पहरा दिए जा रहा है बोधा सिंह कर रहा लहना सिंह पूछता है क्या बोधा भाई क्या बोधा भाई क्या है तो ल, बोधा बोलता है पानी पिला दो ठीक है बोधा बोलता है पानी पिला दो ठीक है लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा कहो कैसे हो पानी पीकर बोधा बोला कंपनी छूट रही है रेम रोम में तार दौड़ रहे हैं दांत बज रहे हैं अच्छी अच्छा मेरी जर्सी पहन लो ठीक है लहना सिंह बोलता है बोधा सिंह से कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो तो बोधा सिंह बोलता है और तुम तो लहना बोलता है मेरे पास सिगरी और आ, मुझे गर्मी लगती है पसीने आ रहे हैं ना मैं नहीं जानता चार दिन से तुम मेरे लिए आ, फिर बोधा सिंह बोलता है ना मैं मैं नहीं पहन मैं नहीं पहनता चार दिन से तुम मेरे लिए इतना ये वो बोलने लगा ठीक है तो लहना बोलता है हाँ याद आई मेरे पास दूसरा गर्म जर्सी है आज सवेरे ही आई है बिलाई से मैम बुन बुन कर भेज रही हैं गुरु उनका भला करे यो कहकर लहना अपना कोट उतार जर्सी उतारने लगा तो बोधा सिंह बोलता है सच कहते हो तो लहना सिंह बोलता है और और नहीं झूठ यो कहकर नह, नहीं ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खाकी कोट जीन और कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ लहना सिंह अब जो है पूरा मात्र कुर्ता वगैरह ओनली पहन के इतना ठंड जो है इतना ठंड इत, इस जारे में वो खड़ा था मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी ठीक है मैम का वो मैम ये जो बोला कि बोधा से हाँ हाँ याद आया एक जर्सी मैम ने भेजी है आज ही बुन बुन कर भेज रही है तो भला करे उस मैम की जो भेज रही है लेकिन वो जर्सी का बात झूठ था वो बस बोधा सिंह का ख्याल रखना चाहता था इसलिए अपना उतना ठंडा में भी अपना वो गर्म कोट उतार के बोधा सिंह को दे दिया चूंकि वो उसको ठंड लग रहा था वो बुखार सिंह था ठीक है और इसके पास कुछ नहीं था पहनने के लिए ठीक है आधा घंटा बीता इतने में खाई के मुंह से आवाज आई सुबेदार हजारा सिंह कौन साहब हुकुम कर तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ देखो इसी इसी, इसी दम धावा करना होगा मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है उसमें पचास से ज्यादा जर्मन नहीं है एक पेड़ के नीचे नीचे दो खेत काटकर रास्ता है तीन चार घुमाव है और जहां मोर है वहां पंद्रह जवान खड़े कर आया हूं तुम यहां दस के आदमी दस आदमी छोड़कर सबको साथ ले जा साथ ले आ, ले उनसे जा मिलो ठीक है खंडक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म तो ना मिले डटे रहो हम यहां रहेंगे ठीक है मतलब वहां से आवाज आता है खाइस के मुंह से आवाज आई कि आई सुबेदार हजारा सिंह आवाज आती है कि सुबेदार हजारा सिंह तो यहाँ पे ये बोलता है कौन लप्टन साहब हुक्म मजूर कहकर सुबेदार तनकर खड़ा हो गया ठीक है सुबेदार यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ पे वो बोलने लगा ठीक है मतलब लप्टन साहब यहाँ पे बोलने लगे कि ऐसा ऐसा है, है कि वहां पे दूर जाओ वहाँ पे क्या है ना कि 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है ठीक है पेड़ के नीचे नीचे दो खेत काट कर एक रास्ता घुमाव है वहाँ चार घुमाव है और वहां पे जो है मोर पे पंद्रह जवान हम खड़े कर दिए हैं और यहाँ पे दस जवान और छोड़ दो और बाकी सबको लेके जाओ ठीक है बाकी सबको लेके जाओ और उसके साथ मिल जाओ और एकदम जाके अः वहाँ पे डटे रहो और जब तक हो क्यू ना मिले डटे रहो वहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे और हम यहाँ पे रहेंगे तो ये बोला जो हुक्म और लेके चल दिया ठीक है चुपचाप सब तैयार हो गए बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा तब लहाना सिंह ने उसे रोका लहाना सिंह आगे हुआ आगे हुआ तो बोधा के बाप ठीक है सुबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया कि सो जा ठीक है ठीक है कोई बात नहीं सो जा सो जा सो जा उसको ऐसे किया लहाना सिंह समझकर चुप हो गया पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर भी हुई सब चाहता था कि हम जाके लड़ेंगे सब के अंदर उतना ही जज्बा उतना ही आ, हिम्मत था कि सब चाहता था हम जाए तो इस पर भी उज्जत हुआ कि नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे कोई रहना ना चाहता था ठीक है समझा बुझा कर सुबेदार ने मार्च किया सबको भेजा सुबेदार लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए ठीक है लप्टन साहब जो थे ये जो है आ, ये क्या होते हैं सिगरी के पास जो मिसाल था उसके पास मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं और जेब से सिकरेट निकालकर सुलगाने लगे ठीक है दस मिनट बाद उन्होंने लहना की और हाथ बढ़ाकर कहा लो तुम भी पियो ठीक है कि वो कहते हैं कि लो तुम भी पियो आंख मारते मारते लहना सिंह जब समझ गया मुंह का भाव छिपा कर बोला लाओ साहब अब देखो ये जो था लप्टन साहब ये जो है सिगरी की तरफ घुमा सिगरेट निकाला सिगरेट सुलगाया और वो सिगरेट लेके कुछ देर बाद दस मिनट बाद बोलता है लाना सिंह लो तुम भी पियो ठीक है तो आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है लाना सिंह सब समझ गया मुंह का भाव छिपा कर बोला कि लाओ साहब ये लाना सिंह बोलता है लाओ साहब देख रहे हो मेरा रुआ खड़ा है इतना इंटरेस्टिंग है अभी तुम पहला बार देख रहे हो ना इसलिए तुमको अभी पहला बार ये सुन रहे हो ना इसलिए तुमको थोड़ा सा लग रहा होगा कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन इसका पूरा स्टोरी हम जानते हैं ना क्या हुआ था इसीलिए हमको इतना इतना असर मेरे पे कर रहा है है ना तुम पे भी वही असर करेगा तुम लोग पे भी वही असर करेगा बस अभी पहले एक बार तो पढ़ लो दोबारा से जब आप इस पूरे स्टोरी को सुनोगे ना या तुम लोग सुनोगे तब अच्छा लगेगा बहुत मजा आएगा तो लहना सिंह बोलता है अपना मुंह का भाव जो था एकदम अजीब हो गया था कि भाई ये कौन आ गया ये तो मुल्टम साहब नहीं है तो कोई बहरूपिया है भेस बदल के आया है तो मुंह का भाव यह लहना सिंह छिपाया और बोलता है लाओ साहब हाथ आगे करते हैं उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देख मुंह देखा ठीक है ये लप्टन साहब तो नहीं है मुंह देख लिया उस उजाले में ठीक है बाल देखा तब उसका मत्था ठनका लप्टन साहब के पट्टी पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहा उड़ गए और उनके जगह कैदियों से ये कटे हुए बाल छोटे छोटे कहां से आ गए ठीक है शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिला है uh, लहना सिंह ने uh, लहना सिंह ने जांचना चाहा लप्टन साहब पांच वर्ष से लहना सिंह सोचा कि जांचते हैं कि ये वही हैं या मतलब बाल बाल कटवा के आए हैं या कोई और बहरूपिया है जो कि वेश बदल के आया है तो लहना सिंह जांचना चाह लहना सिंह बोलता है लप्टन साहब पांच वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे ठीक है लप्टन साहब पांच वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे तो लहना सिंह ऐसे बोलता है क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लाना सिंह ऐसे अंठिया के पूछता है क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे तो लप्टन साहब बोलते हैं लड़ाई खत्म होने पर क्यों क्या यह देश पसंद नहीं तो लाना सिंह बोलता नहीं साहब शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ सा यहाँ याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप गजाधरी जिले में शिकार करने गए थे हाँ हाँ वही जब आप खोते पर सवार थे जब आप गधे पर सवार थे खोते का मतलब होता है गधे जब आप यह जो है लप्टन साहब को बोल रहा है कि आप जब खोते पर सवार थे जब आप गधे पर सवार थे और आपका खानसामा खानसामाइया मतलब तो आपका रसोई जो है अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर पर जल चढ़ाने को रह गया था कि आप गधे पर सवार थे ठीक है शिकार पर निकले थे और आपका जो है खान समा अब्दुल्ला जो कि मुस्लिम है मंदिर में एक जल चढ़ाने को रुका था मूर्ति पे बेशक पाजी कहीं का सामने आ, सामने से वह नीलगाय निकली आ, कि एक ऐसी बड़ी मानो आ, कभी न देखी थी ठीक है सामने से एक नीलगाय निकली और उतना बड़ा आज तक मैंने नहीं देखा था और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पूरे में निकली ठीक है ऐसे अवसर के साथ शिकार खेलने में मजा मजा है ऐसे अवसर के साथ शिकार खेलने में मजा है आप सीधा उसको दे गोली मारे क्यों साहब शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना आपने कहा था कि रेजिमेंट में मेस में लाएंगे ठीक है क्या साहब वो वो जो नीलगाई था उसका जो सर जो था वो शिमला से आने वाला था तैयार हो गया तो वो आ गया आप बोले थे कि वो लाएंगे रेजि, आ, रेजिमेंट की आ, मेस में लाएंगे तो ये लपटन साहब बोलते हैं हाँ पर मैंने उसे बिलायत भेज दिया तो लहना बोलता है ऐसे बड़े बड़े सिंह दो दो फुट के तो होंगे तो ये लप्टन साहब बोलते हैं हाँ लहना सिंह दो, दो फुट चार इंच के थे तुम तुमने सिगरेट नहीं पिया लफ्टन साहब बोलते तुमने सिगरेट नहीं पिया तो लहना सिंह बोलता है पीता हूँ साहब दिया सलाई ले आता हूँ पीता हूँ साहब दिया सलाई ले आता हूँ काकर लाना सिंह खंदक में घुसा वो जो जहाँ पे सब सिपाही वगैरह बैठे हुए थे एक देख रहे थे एकदम दुश्मन को देखते हुए एकदम तैयार थे तैनात थे वो सब सिपाही से आ, मतलब खंदक में गया घुसा अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झपट से निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए वो जान गया ये कोई बहरूपिया है भेष बदल के आया लप्टन साहब के भेष में अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया जब वो खंडक में घुसा तो अंधेरे में एक सोने वाले व्यक्ति से वो टकराया तो वो सिंह बोलता है कौन वजीरा सिंह तो वजीरा सिंह बोलता है हाँ, क्यों क्या कयामत आ गई जरा तो आंख लगने ही दी होगी होती अभी तो जब सोए हैं तुरंत तुरंत तुम उठा देते हो क्या लाना भाई तुम ऐसे क्या कयामत आ गई तो यहां पे दृश्य आपका खत्म होता है दृश्य तीन में आप क्या देखे दृश्य तीन में आप क्या देखे कि जो आपका लप्टन साहब है का वहरूपिया आता है लप्टन साहब का बहरूपिया आता है उस बदल के आदमी आता है लहना सिंह उसको पहचान लेता है और वो खंडक में जाता है ठीक है खंडक में जाता है और यहां से आपका चौथा दृश्य स्टार्ट होता है अब चलो चौथा दृश्य देखते हैं होश में आओ लहना सिंह बोलता है किससे लहना सिंह बोलता है किससे

सोहरा साफ उर्दू बोलता है सोहरा एक तरीके से गाली होता है जो गाली देते हुए बोलता है कि सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया तो वजीरा सिंह बोलता है तो अब अब क्या करें तो यहां पे लहना बोलता है अब मारे गए धोखा है धोखा है भाई धोखा है सुबेदार कीचर में चक्कर काटते फिरेंगे सुबेदार जी उस कीचर में चक्कर काटते फिरेंगे वो उसको तो भेज दिया आया लप्टन साहब आया और पहले पहले बोल देता है कि तुम लोग जितने दस लोग यहीं पे रुको और बाकी सब चले जाओ उस पेड़ के पीछे उस खंदक पे पचास से ज्यादा जर्मन लोग नहीं है तुम लोग वहां पे चले जाओ पंद्रह सिपाही हम वहां पे खड़े करके आए और यहाँ पे दस छोड़ो और बाकी सब उसी के पंद्रह के पास चले जाओ और उसका साथ दो और वहां पे धावा बोलो है ना वहां पे भेज दिया तो यानी अपने पास जो है जो अपना सुबेदार जी जो है वो किचन में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा हम लोग के पर धावा हो जाएगा ठीक है उधर उन पर खुले में धावा होगा उठो एक काम करो पलटन के पैरों पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ ये जो सेना की टोली जो गई है ना पंद्रह लोगों के पास जो गई है साथ देने तो इसके पैरों के निशान के साथ दौड़ते हुए चले जाओ अभी वे दूर नहीं गए होंगे सुबेदार से कहो कि एकदम लौट आए सुबेदार जी से कहना कि एकदम लौट आए फौरन लौट आए खंदक की बात झूठ है खंदक की बात झूठ है कि वहां पे 50 जर्मन से ज्यादा नहीं होंगे ये सब बात झूठ है चले जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ पत्ता तक ना खरके देर मत करो एकदम जल्दी से फौरन निकल जाओ हुक तब फिर वजीरा सिंह बोलता है हुक्म तो यह था कि यही आ, कि ऐसे ऐसे करने लगा तो यहाँ पे वजीरा सिंह बोलता है ऐसी की तैसी हुक्म की मेरे हुक्म जमादार लाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अवसर है उसका हुक्म है मैं लप्टन साहब को खबर लेता हूँ तुम जाओ तो यहाँ पे वजीरा सिंह बोलता है पर यहाँ तो तुम आठ ही हो तो यहाँ पे वजीरा सिंह बोलता है यहाँ पे लहना सिंह बोलता है कि आठ नहीं दस लाख है एक एक अकाली अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होते हैं चले जाओ तुम तो यहाँ पे वो तो चला गया लौट कर खाई के मुहाने से लहना सिंह दीवार से चिपक गया लौट कर वो निकला और दीवार के से चिपक गया उसने देखा कि ये लप्टन साहब ये बहरूपिया जो है ये क्या करता है जेब जेब से बेल के बराबर बेल के बराबर बेल जितना बराबर होता है गोला टाइप का बम जो है ये निकालता है तीन गोले निकाले तीन बम निकाले तीनों को जगह जगह खंदक के दीवार में घुसेड़ दिया ठीक है और तीनों में एक तार से दिया तार बांधा और जो है तार के आगे तार ले आया था गुत्थी था और उसमें आग लगा देता ठीक है सिगरी के पास रखा बाहर की तरफ कर एक दिया जलाकर गुत्थी पर रखने वाला था ठीक है बाहर की तरफ दियाई लेके एक गुत्थी पर रखने वाला था ताकि सब उड़ जाए बम से फट जाए सब बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना ने साहब की कोहनी पर ता, तान कर दे मारा ठीक है एकदम बिजली की तरह अचानक के एकदम गया और सीधा जो बंदूक का वो पीछे का होता है ना सीधा मारा उस कोहनी पे हाथ से वो जो आ, मतलब ये कर रहा था ना उसमें बम में आग लगा रहा था दे मारा तो दिया सला गिर परी लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारी और साहब आंख बंद कर लिए ठीक है थीके? मीन गॉड्स ओ माई गॉड कहते हुए चित्त हो गए साहब जो है दे मारा उसको एक गर्दन पे ठीक है लहना सिंह ने तीन गोले बिनकर खंदक से बाहर फेंके तब जाके जब वो ओ माय गॉड करते हुए चित्त हो गए तो लहना सिंह ने तीन गोले बिन कर खोज कर उसको चुनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया जेबो की तलाशी ली तीन चार लिफाफे और डायरी निकाले पर अपनी जेब पर कर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर लिया ठीक है मतलब वो जो है जेबों की तलाशी वगैरह लिया और जितना भी कागज डायरी वगैरह निकला उसे अपनी जेब में रख लिया ठीक है साहब ने आ, साहब की मूर्छा हाटी लाना सिंह हंसकर बोला साहब जो था लफ्टन साहब एकदम मूर्छा मूर्छित हो गया बेहोश हो गया था क्योंकि लगा था बंदूक के पीछे से उसको है ना वो मूर्छित हो गया था लाना सिंह हंसकर बोला अब एकदम देखो कैसे मजा लेता है लाना सिंह क्यों लफ्टन साहब मिजाज कैसा है अब देखो राणा सिंह ऐसे बोलता है क्यों लप्टन साहब मिजाज कैसा है आज मैंने बहुत बातें सीखी या सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं ठीक है आज मैंने बहुत बातें सीखी या सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं या सीखा कि गजाधरी के जिले में निलगाए होती है और उसके दो फुट के चार इंच के सिंह होते हैं और सीखा कि मुसलमान जो है खान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं मतलब मु, 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 मुस्लिम जो है वो मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं मतलब लप्टन साहब गधे पर चढ़ते हैं प, पर पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए हो बाबू इतना उर्दू कैसे बोल पाते हो बोलो जरा हमारे लपटन साहब के बिना डैम के पांच लफ्ज ना नहीं बोल करते बोला करते हैं ठीक है थेके? हमारे लपटन साहब पांच शब्द ना बोल पाए बिना इंग्लिश शब्द डैम का यूज किए हुए तुम इतना साफ उर्दू कैसे बोल पाते हो भाई बताओ जरा लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी अब देखो लहना सिंह से एक गलती हुआ था उसने पूरा ऊपर का जितना भी जेब था सबका तलाशी ले लिया था पतलून जो नीचे का जेब था उसकी तलाशी लेना वो भूल गया वो नहीं लिया था तलाशी ठीक है अः साहब क्या किया लप्टन साहब जो बहरूपिया था वो क्या करता है मानो जारे से बचने के लिए वो दोनों हाथ जेबों में डाला हो ऐसे वो धीरे धीरे करके वो जेब में हाथ डालता है मानो उसको ठंड लग रहा हो लाना सिंह सोचा हो लग रहा होगा इसको ठंड इसलिए जेब में हाथ डाल रहा है ठीक है डालने लगा लहना सिंह कहता गया चालाक तो हो बड़े तुम पर मांझे की लहना ला, इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है उसे चकमा देने के लिए चार आंखें चाहिए तीन महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था कहानी सुनाने लगा कि देखो तीन महीने हुए हैं एक तुर्पी मौ, तुर्की तुर्की मौलवी गांव आया था ठीक है गांव आया था औरतों को बच्चे अम, को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चे को दवाइयां देता था चौधरी क, अ, के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था हर हमेशा और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं वेद पढ़ पढ़ कर उसमें उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं गौ को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो सरकार की राज जाने वाला है डाक बाबू पोलू राम भी डर गया मैंने मुल्ला जी को दाढ़ी मुड़ दी थी ठीक है लाना सिंह बोलते हैं कि मैंने उस मुल्ला जी का दाढ़ी मुड़ दिया था ठीक है मुड़ दी थी और गाँव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में आया तो अब प्यार रखा तो देख लेना तुम ठीक है साहब की जेब में से पिस्तौल चला अब देखो कहानी सुना रहा था अचानक क्या होता है वो लप्टन साहब जो जेबी में हाथ डाल रहा था ठीक है जा रहे से बचने के लिए साहब की जेब से जेब में से पिस्तौल चला तुरंत पिस्तौल निकला जेब से अब पिस्तौल चला लहना की जांग में सीधा गोली लगी जांग में सीधा उसको गोली लगी इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी ठीक है गोली लहना सीधा वो क्या किया वो बहरुपिया जो था लप्टन साहब क्या करता है निकालता है बंदूक को जेब से और सीधा लहना सिंह के जांगे मार देता है इधर जो है ना दो गोली मारता है लहना सिंह भी दो गोली मार देता है उसका उसी में उसका कपाल क्रिया सब हो जाता है वो मर जाता है है ना लप्टन साहब उसी में कपाल क्रिया हो जाता है धराक सुनकर सब दौड़ आए बोधा चिल्लाया क्या है बोधा सिंह तो बीमार था बाकी आठ लोग थे ठीक है तो सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं तो बोधा सिंह बे लोटा हुआ था और बाकी सब लोग दौड़ आए तो बोधा सिंह हल्ला करता है क्या हुआ क्या है तो यहाँ पे लाहना सिंह यहाँ हाना सिंह नहीं है लाहना सिंह है लाहना सिंह ने उसे तो उसे तो कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था मार दिया और 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 उसे सब हल्का दिया बाकी सब जो द्वार के आए तो सब से सब हल्का दिया सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए लाना ने साफा फार कर मतलब साफा कहते हैं इस मुरट्ठा को इस पगड़ी को साफा को फार घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी घाव मांस में ही मांस में ही थी पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया था ठीक है पट्टियां कसी थी तो उससे क्या हुआ लहू बहना बंद हो गया था उतने में सत्तर जर्मनी चिल्लाकर खाई में घुस पड़े अब देखो हमला हो गया लहना सिंह पर हमला हो गया लहना सिंह के पूरे टोली जो यहाँ पे आठ लोग थे इस पर हमला हो गया सत्तर जर्मनी चिल्लाकर खाई में घुस पड़े सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को तो रोक दिया ये सात आठ लोग मिलके वो सत्तर लोग को रोक दिया ठीक है दूसरे को भी रोका दूसरा बार भी हमला किया ठीक है इस दूसरे बार भी रोक दिया पर यहां थे वे आठ लहना सिंह तक तक कर मार रहा था वह खड़ा था और लेटे हुए थे कुछ खरा था कुछ लेटे हुए थे सब मिलकर तक तक करके मार रहा था और वे सत्तर इधर आठ थे और वे सत्तर थे ठीक है अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मनी आगे घुसते आते थे थोड़े से मिनटों में वो क्या करते हैं देखो सत्तर लोग थे इधर से आठ थे केवल तो जितना हो सकता था ये लोग मार रहे थे और जर्मन लोग गिरते जा रहे थे और फिर भी वो जर्मन लोग जो है था, अपने जर्मन भाइयों के शरीर के ऊपर से एकदम चले हुए आ रहे हैं सब मर रहा है लेकिन उसके ऊपर शरीर के ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है थोड़े ही देर में क्या होता है अचानक आवाज आई थोड़े ही देर में अचानक आवाज आई गुरु की फतेह वाघ गुरु का खालसा और धड़ाधड़ धर बंदूकों की फायर जर्मनी के पीठ पर पड़ने लगे और ऐन मौके पर जर्मनी के दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए पीछे से सुबेदार लहाना सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहा था पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया एक किलकारी आई आ, अकाल सि, सिख आदि फौज आए वाघ गुरु वाघ गुरु दी फतेह वाघ गुरु दी खालसा सत श्री अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म हुई ठीक है तिरसठ जर्मनी या तो खेत रहे या करा रहे थे तिरसठ जर्मनी जैसे या तो मर गए या तो करा रहे थे बाकी मतलब कुछ लोग भाग गए ठीक है और सिखों में से पंद्रह के प्राण गए सिख में से पंद्रह लोग भी मारे गए ठीक है सुबेदार के दाहिने कंधे में आ, से गोली आर पार निकल गई थी सुबेदार जी जो थे उसके दाहिने दाहिने कंधे से गोली आरपार निकल गया था सुबेदार जो मेन वहां पे लीडर था उसके उसमें से क्या होता है गोली आर पार निकल जाता है उसने घाव को खंदक के गीली मिट्टी से पूरे पूर लिया ठीक है घाव उसने क्या करता है आ, लहना सिंह के पसली में एक गोली लगी थी लहना सिंह के पसली में एक गोली लग गया था तो उसने क्या किया घाव में वो क्या करता है गीली मिट्टी से उसमें भर दिया ठीक है और बाकी का साफा कसकर कमरबंद तरह की तरह लपेट लिया बाकी को वो जितना द, उसका मरठा था पगड़ी था उसको बांध लिया सारे एकदम लपेट लिया कमरबंद कर लिया किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव है किसी को खबर ना हुआ कि लहना सिंह का दो घाव है और दूसरा बहुत भारी घाव है लड़ाई के समय चांद निकल आया था ठीक है, लड़ाई के समय चांद निकल आया था ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि मानभट्ट की भाषा में दंत देशा चार्ज कहलाती वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ दौड़ कर सुबेदार के पीछे गया था ठीक है वजीरा सिंह यहाँ पे अपना कहानी सुनाने लगा कि कैसे वो सुबेदार के पीछे दौड़ रहे थे कि सुबेदार जी हम पर ये धोखा हुआ है आप लोग जल्दी जल्दी लौट आइए कहने के लिए जब दौड़ रहा था तो कैसे यहाँ पे फ्रांस की ये भूमि जो है वो मतलब बूटे वगैरह उनके चिपक रहे थे ये सब बात बता रहे थे सुबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सरा सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते ठीक है है सुबेदार जी जो जो लाना सिंह से 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 वो वो सारा पेपर पेपर वगैरह उस लिया लिया था से था उसके जेब निकाला सब पेपर लिया और उसके सराहना किया कि तुम इतने जल्दी निश्चय लिए इसी के कारण आज हम लोग जिंदा है तुम नहीं होता तो आज हम लोग सारे लोग मारे जाते हैं इस लड़ाई की आवाज तीन मील दाहिने और खाई वाले से सुन ली थी उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था वहां से झपट दो डॉक्टर और तीन बीमार ढोने की गाड़ियां चली दो बीमार दो ढोने दो की गाड़ियां चली जो जो कोई डेढ़ घंटे के अंदर पहुंच गई ठीक है मतलब बहुत दूर दूर तक आवाज गया तो सबने क्या किया फोन कर दिया तो तीन डॉक्टर दो गाड़ी आ गया ठीक है बीमार लोगों को ढोने वाला गाड़ी आ गया ठीक है जो कि ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे लगे वो सबको पहुंचे ठीक है फील्ड अस्पताल नजदीक था सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई क्योंकि पंद्रह लोग मारे गए थे सिखों में से तो एक में घायल को रखा गया एक में मृत व्यक्ति को लाशें रखी गई सुबेदार ने लहना सिंह के जांग में पट्टी बांध बांधवानी बांध चाहिए पर उसने कहा कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है सवेरे देखा जाएगा बोधा सिंह से बर्रा रहा था वह गाड़ी में लिटाया गया लहना को छोड़कर सुबेदार जाते नहीं थे ठीक है सुबेदार नहीं रहे थे ठीक है तो यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम बोधा जो है सुबेदार जी का बेटा है सुबेदार जी का बेटा बोधा सिंह ठीक है तो बोधा जो है सुबेदार जी का बेटा है इसलिए लहना कहता है तुम्हें बोधा की कसम है सुबेदारनी का सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ तो सुबेदार जी कहते और तुम तो लहना बोलता है मेरे लिए यहाँ वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी ना मेरा हाल बुरा नहीं है देखते नहीं मैं खड़ा हूँ वजीरा तो मेरे पास है ही ना वजीरा इसके पास ही था वजीरा है ही ना तो यहाँ पे सुबेदार जी कहते हैं अच्छा पर लेकिन मतलब ऐसे बोल ही रहते तो यहाँ लहना बोलता है बोधा गाड़ी पर लेट गया है लेट गया बोधा गाड़ी पर लेट गया भला आप भी चढ़ जाओ सुनिए तो सुबेदारनी होरो चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना अगर आप अपनी पत्नी यानी आप सुबेदार हो आप सुबेदारनी को अगर चिट्ठी लिखोगे अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखोगे तो यह मेरा मत्था टेकना जरूर बोलना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया गाड़ियां चल चल पड़ी थी सुबेदार ने चल चढ़ते चढ़ते लहना के हाथ पकड़ कर कहा तूने मेरे और बोधा का प्राण बचाया है लिखना कैसा साथ ही घर चलेंगे और अपनी सुबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा उसने क्या कहा था उसने क्या कहा था तो तो ये सुबेदार जी पूछते भी थे तो यहां पे सिंह बोलता है अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ मैंने जो कहा है वह लिख देना लिख देना और कह भी देना गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया वजीरा पानी पिला दे और मेरे कमरबंद खोल दे तर हो रहे मेरे कमरबंद वो जो पट्टी बांधे थे तो उसको खोल दे ये भींग गया है तर हो गया है गीला हो गया है ना तो बोधा बजीरा सिंह इसको खोल दे भाई है ना तो दृश्य यहां पे खत्म होता है दृश्य पांच स्टार्ट होता है सबसे इंटरेस्टिंग पूरा स्टोरी जो पढ़े उसका पूरा सार है इसको ये आपका क्या है ट्विस्ट है है ना? है ना ना जैसे मूवी में होता लास्ट में ट्विस्ट आता है हीरो विलन बन जाता है विलन हीरो बन जाता है ऐसे ही कुछ मजेदार ट्विस्ट आता है वैसे ही कुछ ट्विस्ट पार्ट फाइव में आपका होने वाला है और जो कि आज हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और यकीनन आप इस पार्ट में या तो रो दोगे या तो ये कहानी आपको जीवन भर याद रह जाएगी चलो फिर देखना शुरू करते हैं मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है जब मौत का समय आता है अंतिम समय आता है तब जाके जितनी भी स्मृति रहती है मन जो होता है बहुत साफ हो जाता है जन्म भर की जो भी घटनाएं रहती है जीवन में जो भी चीज हम लोग किए रहते हैं वो सारी घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है सारे दृश्य रंग साफ हो जाते हैं और एकदम पूरा जितना भी धुंध रहता है ना वो हट जाता है जितना भी चिंता है जो भी समस्या रहती है सब हट जाता है लहना सिंह बारह वर्ष का है ठीक है अब देखो लहना सिंह बारह वर्ष का है बहुत त्रष्ट है लहना सिंह बारह वर्ष का है अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है दही वाले के यहाँ सब्जी दही वाले के यहाँ सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक आठ वर्ष की लड़की मिल रही थी मिल जाती है जब वह वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई तब वो धत कहकर भाग जाती है याद आया कुछ शुरू में पहला दृश्य में क्या देखे थे एक आठ एक लड़की थी एक लड़का था दही वाले के यहाँ पे मिला था और लड़का बार बार पूछता था कि त्याग क्या तेरी कुर्माई हो गई और वो धत कहकर भाग जाती थी एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई देखते नहीं है रेशम का फूलों वाला सालू यानी ये चुनरी देखते नहीं ये सालू देखते नहीं सुनते ही लहना को दुख हुआ क्रोध हुआ क्यों हुआ था कुछ तो प्यार था कुछ तो मोहब्बत उसके दिल में कुछ तो अरमान था फिर ये एक तो आ, मतलब इसके मन में ये भाव चल रहा था क्योंकि वो लेटा हुआ था अंतिम समय था मृत्यु का कुछ समय था वो अंतिम समय में वो लेटा हुआ था और आ, एक तरीके से मतलब ऐसा स्थिति में था मानो वो मर भी सकता था ऐसा ही स्थिति था ठीक है बहुत गोली वगैरह लगा हुआ था तो उस दृश्य में उसके अंदर बहुत सारा मन में भाव चल रहा था ये पूरे दृश्य चल रहा था तो उसको बचपन का वो बात चला कि वो जब आठ वर्ष का था वही लड़का वही लड़की है ना बचपन में तो देखो ये फिर अचानक बीच में बोलता है कि वजीरा पानी पिला दे ठीक है वजीरा पानी पिला दे चूंकि गोली वगैरह लगा हुआ था है ना अब देखो उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा सो जाता है और इसके फिर से बात वो जो है एक तरीके स्वप्न में चला जाता है दृश्य पूरे जीवन भर की घटनाएं चलने लगती है घटना में ऐसी होती है 25 वर्ष बीत गए अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया ठीक है वो जो लड़का था वो जो 8 वर्ष का लड़का था 12 वर्ष का लड़का था वो लहना सिंह था अब वो राइफ, नंबर राइफल के जमादार हो गया वह आठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा उसे आठ वर्ष की उस कन्या का ध्यान ही नहीं रहा ना मालूम वह कभी मिली भी मिली थी या नहीं सात दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया ठीक है वह एक बार छुट्टी लेकर सात दिन के लिए वह घर गया था जमीन के मुकदमे के लिए वहां जो है वहां पर क्या होता है वहां रेजिमेंट में अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है कि फौज जो है फौरन चले आओ साथ ही सुबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जा जाते हैं लौटते समय हमारे घर होते जाना साथ चलेंगे सुबेदार के गांव रास्ते में पड़ता था और सुबेदार जी उससे बहुत चाहता था ठीक है लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा देखो लहना सिंह सात दिन का छुट्टी लेके जमीन के मुकदमे लड़ने के लिए आया था घर और अचानक उसको एक खबर मिलता है कि सब लोग युद्ध पे जा रहे हैं पूरा सेना के टोली युद्ध पर जा रहे हैं तो तुम लोग जल्दी लौट आओ ठीक है और सुबेदार जी का भी एक मैसेज आता है चिट्ठी आता है कि लौटते वक्त जब जाओगे लाम पर तो मैं सुबेदार और मेरा बेटा बोधा सिंह ये दोनों जाएगा युद्ध में जाए, जाएंगे तो लौटते वक्त तो मेरे घर से होते हुए ही जाना चूंकि रास्ते में ही पड़ता है उनका घर सुबेदार जी का और सुबेदार जी लहना सिंह को बहुत चाहते भी थे ठीक है बहुत अच्छा लड़का था बहुत चाहते भी थे ठीक है तो सुबेदार जी हेड थे और उसके अंदर वो सब लाना सिंह वगैरह काम करता था तो सुबेदार जी चिट्ठी लिखता है कि मेरे घर होते हुए ही जाना तो ये जो लाना सिंह सुबेदार जी के घर पे पहुंचता है ठीक है जब चलने लगे तो सुबह सुबेदार जो है बेरे में से निकल आया जब चलने लगे तब सुबेदार जी जो है घर से बाहर निकले बेरे में से निकले और बोला लहना सुबेदार तुमको जानती है मतलब मेरी पत्नी सुबेदार जी बोलते हैं कि मेरी पत्नी तुमको जानती है सुबेदार ने तुमको जानती है बुलाती है जा मिला लहना भीतर पहुंचा सुबेदार ने मुझे जानती है कब से अरे रेजिमेंट में क्वार्टरों में तो कभी सुबेदार के घर के लोग रहे नहीं दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा मतलब एक तरीके से नमस्ते प्रणाम वगैरह किया असी सुना लहना चुप लहना सिंह एकदम चुप था तो वो सुबेदारनी पूछती है सुबेदार जी की पत्नी पूछती है यानी सुबेदारनी पूछती है मुझे पहचाना तो लहना बोलता नहीं तो सुबेदारनी बोलती है तेरी कुर्माई हो गई धत्त कल हो गई देखते नहीं रेशम रेशमी बूटो वाली आ, सालू अमृतसर में समझ में आया क्या चल रहा है वह सुबेदारनी जो थी वही आठ वर्ष की वो लड़की थी जैसे लहना सिंह बार बार पूछता था बचपन में कि क्या तेरी कुरमाई हो गई और आज वो शादी सुबेदार जी से हो गया है ठीक है लहना सिंह जब सुबेदार जी के घर पे गया है तो वो सुबेदारनी पहचान लेती है ये लहना सिंह है जो हमसे बचपन में पूछा करता है तो वही उसको बुलाती है पूछती है याद दिलाती है कि तो मैं वही लड़की हूं याद आया कुछ लहना सिंह बेचारा क्या था उसमें उसके मन में ये सब भाव चल रहा था उस वो उस गोली लगी हुई थी वो कर रहा, रहा था और भाव का वो भाव की टकराहट से मूर्छा खुली होश में आया लहना सिंह करवट बदली पसली में घाव बह गया वजीरा पानी पिला ठीक है वजीरा सिंह को बोलता है पानी पिला फिर वो स्वप्न में चला गया फिर वो बेहोश हो गया स्वप्न में चला गया सुबेदारनी कह रही थी कि तेरे घर को आते ही पहचान लिया था सुबेदार जब लहना सिंह सुबेदारनी के घर सुबेदार जी के घर पे आया था सुबेदारनी बोली कि तुमको घर तुम मेरे घर आए उसी समय हम पहचान लिया एक काम कहती हूँ एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए सरकार ने बहादुरी के खिताब दिए हैं लायलपुर में जमीन दी है आज नमक हलाली का मौका आया है पर सरकार ने हम तिमियों को घगरिया पलटन क्यों ना बना दी मतलब हम औरतों का भी एक पलटन क्यों नहीं बना दी जो मैं सुबेदार जी के साथ चली जाती एक बेटा है फौज में भर्ती हुआ उसे एक एक ही वर्ष हुआ ठीक है? एक मेरा सुबेदारनी सुबेदार रोते रोते। सुबेदार, सुबेदार रो, रोने लगी अब दोनों जाते हैं मेरा भाग तुम्हें याद है एक दिन टांगे टांगे वालों की घोर का घोरा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे आप घोड़े की लातों से चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था ऐसे ही इन दोनों को भी बचाना यानी पति और मेरा बेटा यानी बोधा सिंह दोनों को भी बचाना ऐसे ही बचाना ठीक है यह मेरा भिक्षा है तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ ठीक है रोते रोते सुबेदारनी ओरबी की और ओबरी की ओर चली गई यानी घर की ओर अंदर चली गई ठीक है लहना भी आंसू पोसता हुआ बाहर आया ठीक है वो क्या कर रहा था वो स्वप्न में ये सब बातें उसके मन में चल रहा था फिर अचानक बोलता है वजीरा पानी वजीरा सिंह पानी पिला दे उसने कहा था लहना सिंह की सिर अपनी गोद में रख के वजीरा सिंह बैठा है लहना सिंह का सिर जो है वजीरा सिंह अपने गोद में रखकर बैठा है जब मांगता है तब पानी पिला देता है आधे घंटे तक लहना चुप रहता है फिर एक बार बोलता है कौन किरत सिंह लहना सिंह बोलता है कौन किरत सिंह तो वो तो किरा सिंह वहां पे था नहीं वो जबकि वो बोला था एक समय बाद याद है कि मेरे बारे में मत सोचो मैं मरूंगा तो वो मेरे किरत सिंह के गोद में ही मरूंगा और मेरे आम का लगाया हुआ पेड़ होगा है ना अब देखो वजीरा सिंह के गोद में ये सोया हुआ है और ये लहना सिंह बोलता है कि कौन किरत सिंह तो वजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ तो लहना बोलता है भैया मुझे और ऊंचा कर ले अपने पट पर मेरा सिर रख ले मतलब अपने जांग पर मेरा सिर रख ले वजीरा ने वैसा ही किया पट का मतलब होता है जांग, है 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 ठीक ठीक पर मेरा सिर तो सिंह बोलता है, हाँ है? पानी पिला दे बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा अब की बार अब की मौसम में यह आम खूब फलेगा चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना ठीक है मतलब चाचा और भतीजा दोनों यहीं पर आम बैठ के खाना जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था वजीरा सिंह के आंख आंसू ठपक टपक रहे थे वजीरा सिंह रो रहा था चूंकि वो देख रहा था कि लहना सिंह किस स्थिति में है क्या वो सोच रहा है कैसे वो मर रहा है लहना सिंह देख वजीरा सिंह देख रहा है वो हर चीज लहना सिंह बोलता है कौन क्रसिंग किरण सिंह उसका बड़ा भाई था लाना सिंह का तो लाना सिंहदे था अचानक वो आधा घंटा बाद बोलता है कौन किरण सिंह तो वजीरा सिंह ना चाहते हुए बोलता है हाँ किरण सिंह है ना और अपने जांग पे वो उसका सिर रखा हुआ था और वजीरा सिंह रो रहा था टपक टपक आंसू रहे थे उसके आंसू टपक टपक रहे थे कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कुछ दिन बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम अड़सठवीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर सतहत्तर सिख राइफल जमादार लहना सिंह कुछ दिन बाद अखबार में खबर आई कि लहना सिंह घाव से मर गया तरफ तरफ के वो मर गया बेचारा ये था पूरा कहानी और ये था पूरा उसने कहा था कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है आई थिंक ये आपको वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लगा होगा अब तक के अब तक के आप जीवन में जो सुने होंगे कहानियां उसमें से आपके लिए बेस्ट कहानी होगी इसमें आप देखे कि वो सुबेदार नहीं जो बचपन में मिली थी आठ वर्ष की लड़की थी ये बारह वर्ष का लड़का था बचपन में उस लड़की को ये टांगे के नीचे आने से बचाता है बाद में ये मिलता है उस लड़की से तब जब उस लड़की का शादी सुबेदार जी से हो जाता है दूसरे से हो जाता है तब भी ये लाना सिंह जो था उससे प्यार करता था इसलिए उसका बात मानता है जब नहीं बोलती है कि मेरा बेटा और मेरे पति का रक्षा करना जैसे तुमने बचपन में, में मेरा रक्षा किया था लाना सिंह कुछ वैसा ही किया सुबेदार जी जब जा रहे थे उस युद्ध भूमि को छोड़ के अस्पताल जब जा रहे थे वो बोले कि लाना सिंह आज तुम नहीं होते तो हम लोग मारे जाते आज तुमने मुझे मेरा और बोधा सिंह का प्राण बचाया है है ना तो अंततः यही हुआ कि जो सुवेदारनी ने बोला था उसने जो कही थी लहना सिंह अपना प्राण गवा कर भी उस वचन को तो नहीं तोड़ा और उस वचन को पूरा किया और अपने उस प्रेम पर बलिदान का जो कहानी होता है ना उसको अमर कर लिया है ना तो यहाँ पर लहना सिंह के कुर्बानी को भी हम लोग जाने लहना सिंह के प्यार को भी जाने और लहना सिंह के जज्बाल जज्बा उसके हिम्मत को भी जाने कि वो हर हमेशा बोलता था कि बिना लड़े बिना फेरे घोरा बिगड़ता है बिना लड़े सिफाई बिगड़ता है है ना तो हर चीज लहना के अंदर हर गुण हर एक गुण था उसके अंदर और आज वो शहीद हो गया युद्धभूमि में है ना तो आई थिंक Uh, मेरे अनुसार से ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी कैसी कहानी लगी आप डिटेल से लिखेगा क्या आपके अंदर आपके आंखों में आंसू आई क्या आपका रुआ खड़ा हुआ या नहीं हुआ कैसा आपको ये स्टोरी कैसा लगा क्या फील की इस स्टोरी को कोई ना कोई आपकी कहानी आपको याद आई होगी अपनी आपको कुछ अपनी कहानी या फिर आप कुछ उस समय सोच रहे होंगे तो जो भी आप सोच रहे थे आप प्लीज कमेंट में अच्छे से लिखो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी हमने बहुत मेहनत करके इसको पढ़ाया तो हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग का कमेंट पढ़ के हम बहुत खुश हो जाए तो आप प्लीज अच्छे से कमेंट करना आपको कैसा लगा ये स्टोरी कितना मजा आया पढ़ने में पढ़ाने में हम कैसा सफल हुए आपको अच्छे से समझा पाए या नहीं समझा पाए है ना बेसिकली uh, हम किस तरीके से पढ़ाए हैं ये आप जरूर से नीचे कमेंट करके लिखना सारा चीज़ ठीक है और इस वीडियो को लाइक कर लेना साथ ही साथ अपने हर उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास ट्वेल्व में आए हैं ठीक है और ताकि वो लोग अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें और इस तरीके से पूरा स्टोरी पूरी जो जितने भी चैप्टर्स है आपके हिंदी मार्क्स में वो सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे अभी तक अगर आप चैप्टर फर्स्ट यानी बातचीत पाठ का सारांश और साथ ही साथ पूरे हिंदी अर्थ को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया आप जाके अच्छे से प्रॉपरली उसको देखिए और सारा चीज अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी ठीक है तो कुल मिला के बात यहीं पे होता है कि आपका पूरा जो है ये उसने कहा था पाठ समाप्त होती है अब कोई भी ऑब्जेक्टिव कोई भी सब्जेक्टिव प्रश्न हो तो आप आराम से बना लोगे तो बस आपको करना क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ हिंदी को इससे भी ज्यादा डेफ्थ में पढ़ना है इससे भी ज्यादा डेफ्थ में इससे भी और डिटेल में जाके पढ़ना है कि भाई हमको तो हिंदी में सौ में सौ लाना है ठीक है कि हमको हिंदी में सौ में सौ लाना है ग्रामर वगैरह हर चीज सब साथ में पढ़ना है तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है एजुकेशन बाबा ऐप आप, आप, आप इंस्टॉल करो और वहां से आप हिंदी इंग्लिश का कोर्स ले लो और उसमें कोर्स बहुत मिनिमम फी है और उस कोर्स में सहारा हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर उसके बाद प्रतिपूर्ति होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है हर एक चीज बुक आपका प्रॉपरली हर एक चीज सौ में सौ पूरा तैयारी आपको करवा दिया जाएगा हर 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 सेल्स डेफ्ट में में लाइव क्लास के साथ हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का पीडीएफ नोट्स टेस्ट मिलेगा है ना ये सारा चीज आपको एकदम उस ऐप एप मिल जाएगी तो एजुकेशन बाबा ऐप आप, आप, आप जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उससे आप अपना कोर्स ले सकते हैं इससे भी ज्यादा डेफ में हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे और यकीनन ये आप गारंटी के साथ लो कि आपको सौ में सौ लाने से कोई नहीं रोक सकता है ठीक है अगर आप वहां पर राइटिंग खराब करके भी आओगे ना तो राइटिंग ज्यादा मायने नहीं रखता है मेन मायने रखता है आपका वहां पे आंसर तो आंसर हम आपको सारा चीज लिखना सिखा देंगे एग्जाम में कैसे लिखना है हर चीज बता देंगे ठीक है सौ में सौ सौ में निन्यानवे प्लस तो एकदम टारगेट पे रखो कि भाई लाना है तो लाना है ठीक है उसके लिए हम एकदम तैयार रहेंगे आप एकदम हंड्रेड परसेंट दो और देखो दोनों का जब मेहनत मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं ये मेहनत रंग लाएगी तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले कोई वीडियो में तब तक लिए बाय